मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेता और पाशा ट्रेवल्स के संचालक सोहेल पाशा साहब। आपका जो बिजनेस है पूरा बस स्टैंड से रिलेटेड है, पाशा ट्रेवल्स जो है काफ़ी आपका एक अच्छा खासा जमा हुआ। एक डिमांड सिवनी में कई दिनों से चल रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बस स्टैंड बाहर जाना चाहिए, ऐसा वैसा ही सारी चीज़। ये अलग बात है कि जा नहीं रहा है, लोगों को इसको लेकर गलत फहमियाँ हैं, और फिर भी जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सिवनी का बस स्टैंड जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे शहर के मध्य में स्थित है। पिछले काफ़ी दिनों से, इसके पहले भी ये मांग उठी थी कि बस स्टैंड यहाँ से उठाया जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश शासन ने इस बात को संज्ञान में लिया और एक नया प्रोजेक्ट लाया पुराना बस स्टैंड और नए बस स्टैंड को जोड़ने का, जिसके लिए ये हाय तौबा हो रही है कि जबकि इनको तो खुश होना चाहिए शहर के लोगों को कि हमारा बस स्टैंड मध्य प्रदेश में एक सबसे विकसित बस स्टैंड है, शहर के मध्य में स्थित है। इस बस स्टैंड से 200 मीटर की दूरी पर सिवनी कोतवाली है, जो सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बहुत नज़दीक में थाना पड़ता है। और यहाँ का अगर इतिहास देखा जाए तो पिछले 30-35 सालों से जब से ये बना है प्राइवेट बस स्टैंड, आपराधिक रिकॉर्ड कुछ नहीं मिलेगा बस स्टैंड का। और यदि बस स्टैंड यहाँ सुरक्षित नहीं है तो शहर के बाहर ले जा रहे हैं। इसका एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि अभी हमारे शहर में एक दूसरा थाना बना डूंडा सिवनी क्षेत्र का, उस थाने को बने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। सिवनी कोतवाली के अपराध उठा के देख लीजिए और डूंडा सिवनी थाने के अपराध उठा के देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि शहर के मध्य में ये सुरक्षित है या डूंडा सिवनी में सुरक्षित रहेगा या नागपुर नाके में सुरक्षित रहेगा या भींजावाड़ा में सुरक्षित रहेगा। तो ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर इस शहर की महिलाएँ रात बेरात हमेशा आती जाती हैं, कभी आज तक कोई वारदात नहीं हुई, कोई चेन खींचने की घटना नहीं हुई, कोई चोरी की घटना नहीं हुई, और होती है तो इसको हम सब लोग नागरिक लोग जो यहाँ पर धंधा करते हैं हम लोग इसको रोकने का प्रयास करते हैं। ना ही बस स्टैंड में जेब कटी नहीं होती साहब, इतने साल हो गए, आप पता कर लीजिए, और बाकी एरियों के आपराधिक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए जहाँ बस स्टैंड ले जाना चाहते हैं। ये सिर्फ वहाँ जिनकी ज़मीनें हैं, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं, वो अपनी ज़मीनों के रेट बढ़ाने के लिए ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और स्टैंड को वहाँ ले जाना चाहते हैं। शासन आज जो पैसा खर्च कर रही है प्राइवेट बस स्टैंड पर, ये हमारे जनता का पैसा है, क्या इसको व्यर्थ बर्बाद कर देंगे आप? वैनगंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में करोड़ों रुपए की लागत से ये बना और अभी फिर करोड़ों रुपए शासन ने स्वीकृत की है, तो क्या ये सब फालतू है? इससे शहर की जनता को, शहर के यात्रियों को सर्व सुविधाएँ मिलेगी। एक बात और मेरे सुनने में आई है कि लंबी दूरी की बसें वहाँ लगाई जाएँ और लोकल बसें यहाँ लगाई जाएँ, उससे भी यात्रियों को परेशानी होगी। पूरा बस स्टैंड एक स्थान पर रहने से ये होता है कि कनेक्टिविटी बनी रहती है, एक बस से उतर के तुरंत बाजू में लगी दूसरी बस मिलती है। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि बस स्टैंड यथा स्थिति में रहना चाहिए और इसी को विकसित किया जाना चाहिए। आपने काफ़ी अच्छे से हमें बताया, इसमें एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। यहाँ पर मैं दुकानदारों से बात किया तो बहुत से दुकानदारों ने अपने बिज़नेस की बात कही कि अगर बस स्टैंड हटता है तो हमने, जैसे कि एक राय साहब आपके साथ खड़े हैं अभी, इन्होंने कहा कि हमने तो जो ख़रीदा था दुकान बस स्टैंड के रेट में ख़रीदा था बस स्टैंड को, तो उन चीज़ों को कैसा देखते हैं? देखिए, यहाँ की दुकानें बहुत महंगी मिली थी, राय साहब मेरे पड़ोसी हैं, बाजू में इनका रेस्टोरेंट है, और इनसे भी आप पूछ सकते हैं, यहाँ जितने दुकानदार हैं, सिवनी को बड़ा संवेदनशील माना जाता है, कभी इनकी दुकान में किसी ने गाली दिया या पत्थर फेंकने की घटना हुई क्या? पूरे वैनगंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों से पूछ लो आप। ज़बरदस्ती का रूमर बनाया गया कि बस स्टैंड बहुत संवेदनशील है, साहब आग के ढेर पर बैठा हुआ है, ये सब राजनीतिक प्रोपोगंडा है। और आज यदि ये स्टैंड हटता है तो यहाँ के दुकानदारों को सिर्फ मक्खी मारना पड़ेगा, और बेचारों ने जो अपनी पूंजी लगा के रोजगार के लिए दुकानें ली हैं, वैसे इस शहर में रोजगार कुछ नहीं है, तो आप रोजगार तो ला नहीं रहे हो और जो यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है वो भी छीनना चाहते हो, तो ये कहाँ का न्याय है? इसलिए बस स्टैंड यहीं रहना चाहिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता सोहेल पाशा साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे, जो कि पाशा ट्रेवल्स के संचालक हैं। अभी हम और लोगों से बात करेंगे इस मुद्दे पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ।